नमस्कार दोस्तों, इन्फो वाटिका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके साथ बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट में आई हुई वैकेंसीज के बारे में। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें लॉ ग्रेजुएट के लिए वैकेंसीज निकाली हैं। इस वीडियो में हम आपके साथ बात करेंगे कि उस वैकेंसी को की फॉर्म को फिल करने के लिए आपके पास क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आपके पास क्या एज होनी चाहिए, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इन सब के बारे में हम आपके साथ इस वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा ताकि आप फॉर्म को अच्छे से फिल कर सकें। इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हैं और इस वीडियो की PDF टेलीग्राम चैनल से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इस फॉर्म को फिल करने की जो लास्ट डेट है वो है 28 अगस्त 2021। 28 अगस्त 2021 इसकी फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट है। ओके, जो एग्ज़ाम डेट है वो अभी आई नहीं है, वो आपको जब आएगी तब आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। एडमिट कार्ड आपको एग्ज़ाम के पहले अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो उसका जो मेन पार्ट था वो था कि 28 अगस्त 2021 से पहले इस फॉर्म को आपको फिल कर देना है, राइट। सेकेंड बात आती है कि इसकी फ़ी क्या है, इस फॉर्म को फिल करने की फ़ी क्या है। तो इसकी जो फ़ी है वो है 300 रुपी। जनरल OBC EWS के लिए 300 और SC ST के लिए भी 300 ही है। जो इस फॉर्म को फिल करने का मोड है वो ऑनलाइन नहीं है, वो ऑफलाइन है। ऑफलाइन आपको इस फॉर्म को फिल करना है और इसको पोस्ट करना है। जो पोस्ट होगा वो जो DD बनेगी, या तो आप DD के ऑनलाइन फॉर्म वेबसाइट से जाके फॉर्म को प्रिंट करिए, फिर उसकी DD बनवाइए इन फेवर ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ हाई कोर्ट, या फिर आप डायरेक्ट जाके, अगर आप वहीं पे रहते हैं तो आप डायरेक्ट जाके वहाँ पे फॉर्म को वहाँ से ले सकते हैं 300 रुपीज़ में और फिल करके वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके फॉर्म को फिल करने के और उसको भेजने के दो मोड हैं। एक है कि आप डायरेक्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाके वहाँ पे सबमिट कर दें, या फिर आप ऑनलाइन प्रिंट निकाल के DD के थ्रू उसको सबमिट करें, ओके। नेक्स्ट है कि इसके फॉर्म को फिल करने के लिए आपके पास क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। तो फर्स्ट है कि बैचलर आप लॉ ग्रेजुएट होने चाहिए, या तो आपने लॉ कर लिया हो, या तो आपने 3 ईयर्स का लॉ किया हो, या जो इंटीग्रेटेड कोर्स 5 ईयर्स का होता है वो किया हो, दोनों इसके लिए एलिजिबल हैं। या जो जिनका LLB का जो फाइनल ईयर है, जो फाइनल ईयर में है, इनका कंप्लीट नहीं हुआ है, वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। जो LLB के फाइनल ईयर में है उनके साथ बस ये है कि जब इसका सितंबर में इसका इंटरव्यू होगा, तो जब इंटरव्यू होगा उस टाइम आपके पास फाइनल 3rd ईयर की मार्कशीट होनी चाहिए, ठीक है। तो आप इसको आप फिल कर सकते हैं, और वही लोग फिल कर सकते हैं जिनके मिनिमम 55% मार्क्स हैं। 55% से कम हैं तो वो इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं, राइट। सेकेंड है जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसके लिए क्या कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि डेटा एंट्री, वर्ड प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर ऑपरेशंस, ठीक है। आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए और आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है इसमें। तो जो इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो है 94। जो एज लिमिट है वो है, मिनिमम एज है 21 ईयर। आप 21 साल के हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, और जो लेकिन 26 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1/7/2021 तक, ठीक है। 1/7/2021 से आप 26 साल के हो जाने चाहिए, इससे ज़्यादा के जो अगर कैंडिडेट हैं वो इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट बात आती है कि इसके सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस इसका कुछ नहीं है, आपको एग्ज़ाम नहीं देना है, कुछ भी नहीं देना है, सिर्फ इंटरव्यू देना है, ठीक है। जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो बेसिस ऑफ इंटरव्यू ओनली। तो जो भी आप जब आप फॉर्म फिल करेंगे उस फॉर्म को फिल करने में आपको अपनी मार्क 10th की 12th की ग्रेजुएशन की पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आपने की, जितनी भी चीज़ें आपने कर रखी हैं उन सबको आपको सेल्फ अटैच करके उसमें अटैच करना होगा। उसके थ्रू आपकी मेरिट बनेगी। मेरिट में स्क्रीनिंग में फिर जो कैंडिडेट
फाइनल किए जाएंगे उनको लेटर भेजा जाएगा, और फिर उसके लिए जो इंटरव्यू के लिए लेटर भेजा जाएगा और जिनके पास वो लेटर आएगा वो कैंडिडेट इंटरव्यू देंगे। जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो इंटरव्यू है, इंटरव्यू के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। ओके, जो नेक्स्ट आता है कि इसकी सैलरी क्या है। जो जो परमानेंट जॉब होती हैं ये 1 ईयर के लिए है, ये परमानेंट नहीं है। जो वन परमानेंट जॉब होती है उनके लिए सैलरी होता है, और जो परमानेंट नहीं होती हैं उनके ऑनरेरियम होता है, तो ये है 15,000 पर मंथ, राइट। इस फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है तो मैंने आपको बताया, या तो आप हाई कोर्ट से या इलाहाबाद हाई कोर्ट से लखनऊ ब्रांच से जाके आप फॉर्म लीजिए, जिसमें आपको 300 का पेमेंट करना पड़ेगा। 300 रुपीज़ दीजिए, उस फॉर्म को फिल करिए, जो जो चीज़ें उसमें मांगी गई हैं आप उसको अटैच करिए और वहाँ पर जाके फॉर्म सबमिट कर दीजिए। या फिर अगर आप वहाँ पर नहीं रहते हैं, आप किसी और जगह रहते हैं, किसी और स्टेट में रहते हैं, तो आप ऑनलाइन फॉर्म का प्रिंट निकालिए, उसकी DD बनवाइए। DD 300 रुपीज़ की DD बनेगी, जो डिमांड ड्राफ्ट बनेगा फेवर ऑफ रजिस्ट्रार जनरल हाई कोर्ट के फेवर में बनेगा, उनके फेवर में DD बनवाइए और उसको आप पोस्ट कर दीजिए, ठीक है। तो ये दो मेथड हो गए आपको फिल करने के, राइट। ओके,